और अब बात गजियाबंद की करेंगे, जहां पर अचानक हुई बारिश से सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तेल नदी में लगी 40 से 50 एकड़ सब्जी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसका खामियाजा न केवल सब्जी उत्पादक किसानों को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि क्षेत्र की जनता को भी इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्र में बाहर से सब्जी की आपूर्ति पूरी तरह बंद है। स्थानीय सब्जी के भरोसे ही काम चल रहा है। इसके खराब हो जाने से लोकल बाजार में सब्जी की कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें फसल तैयार करने में काफी मेहनत की और अब उसी के भरोसे अपना जीवन यापन करना था, मगर फसल बर्बाद होने से उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। डिंडोरी के